अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशपाश होंगे। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार वगैरह हो रहा था मौसम चेंज होने की वजह से। तो आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा कोई ज़रूरी सामान भी लेना था और ना कुछ शॉपिंग ज़रूरी भी करनी थी, कपड़े वगैरह स्कार्फ हम लोगों ने जो है ना ख़ास तौर पर डाई वगैरह कराने थे, तो आज हम लोग उसी मकसद से आए हैं। और जो है ना माइयों में जो है किस तरीके का गुस्सा और वगैरह जो है ना सब कुछ पहनना है और क्या करना है, यह अभी आप लोगों को दिखाएंगे। नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे थोड़ा लाइट। अरे नहीं समझ नहीं रहे हो, ये वाला नहीं है, शिमरी जो होता है ना कुछ हो इस तरह का स्कार्फ हो, जो स्कार्फ में अच्छा भी लगे थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डिजाइन पे आ रहा हो हल्का सा। ये है और एक ये बूटी है, ये छोटी बूटी है। ये कौन सा कपड़ा है? ये भी शैफून है, सारा शैफून दिखा रहा। नहीं नहीं ये नहीं, ये छोटी बूटी ये ना वो क्रिंकल, आई थिंक क्रिंकल में नहीं है, ये भी क्रिंकल है। दरअसल हम लोग जिस तरीके का हिजाब अपना चाह रहे थे वो हम लोगों को मार्केट वगैरह में मिल नहीं रहा था, तो फिर लास्ट मौका हमारे पास यही होता है कि जो है ना फिर हम लोग उसको डाई करा लें। अच्छा जी, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं अपने हिजाब कहाँ से लेती हूँ, मुझे जहाँ से मैचिंग और जहाँ से कोई अच्छा हिजाब मिल जाता है मैं ले लेती हूँ, भले वो ब्रांड हो या भले वो लोकल बाज़ार से अगर लेना होता है मैं ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन अगर जैसा ये है ना कि हमें वेडिंग पे पहनना है तो वो कलर और फैब्रिक का भी जो है ना थोड़ा हिसाब किताब देखना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डाई कराने आए हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैचिंग हम लोगों को मिल नहीं रही थी, फिर लास्ट हमारे पास यही हुआ कि हमने उनको बोला कि अरे भाई आप जो है ना वाइट कपड़ा अच्छा सा हमको दिखाओ और उसको अच्छे से कलर में, मतलब जो हम चाहते हैं जो बोल रहे हैं उसी में डाई करा दो। तो पहले तो मुझे बाजी लेकर गई बाज़ार के ना अंबर यार, मतलब तीनों चारों दिन का जो है ना हिजाब मुझे दिला दो और उसकी मैचिंग वगैरह ना, मतलब कपड़ा जो होता है ना, मतलब मुझे इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से आइडिया, आप लोगों को कब से मैं ट्यूटोरियल देती हुई आ रही हूँ, तो इसलिए ना बाजी मुझे साथ लेकर आ रही थी, उनकी मैचिंग वगैरह डन हुई। तो फिर मैं भाभी को, अब जो है ना भाभी मुझे लेकर आई है साथ में कि अंबर मेरा भी जो है ना वो देख लेना और फिर तुम्हें भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी वो भी कर लेना, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम था और मुझे भी अपने स्कार्फ वगैरह जो है ना वो डाई करवाने थे। पहले तो हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा बाज़ार वगैरह में लेकिन हम लोगों को नहीं मिला, फिर हम लोग यहाँ पर पठान मार्केट में आ गए। तो यहाँ पर जो है ना हमारे तीन स्कार्फ जो है ना, तीन स्कार्फ, जी हाँ तीन स्कार्फ हमें 2800 के जो है ना उन्होंने बिल बनाया और फिर यहाँ पे जो है ना तकरीबन अब हम लोगों को ये मिलेंगे तकरीबन 2-4 दिन बाद। तो अल्लाह का शुक्र है सारी शॉपिंग वगैरह और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस ये टिचपुट चीज़ें जो है ना थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं और बस इन्हीं चीज़ों के लिए ना अब बस कभी भाभी के साथ तो कभी बाजी के साथ मैं बाज़ार चले जाती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा अभी यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग यहाँ से फ्री हुए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिए कुछ, मुझे खुस्सा लेना था येलो कलर का और ये कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, लेकिन इसमें मल्टी शेड आ रहा था ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे इससे अच्छा एक और लगा वो मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाती हूँ वीडियो में। तो मल्टी कलर का अभी आप लोगों को जो मैंने खुद सा दिखाया वो मतलब छोटा साइज़ मिल रहा था, वो मेरे साइज़ में था ही नहीं, तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने दूसरा खुद सा देखा येलो कलर का और ये बहुत ही कोई प्यारा लगता है। तो सैंडल शूज़ वगैरह तो सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना बस मुझे एक दिन का खुद सा लेना था, जो कि बस बैठे बैठाए मेरे दिमाग में आया कि यार खुद सा पहनते हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसके अंदर एक और डिजाइन बता रहे थे ना, ये अच्छा लग रहा, नहीं ये सही लग रहा है, ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें मल्टी कलर मिल जाता ना और अच्छा लगता। हाँ देखो हाँ अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, माशा दोनों ही सही नहीं है, तुमने क्यों मोड़ रहा है पीछे से, आप फिर अरे भाई क्या कर रहे हो, नहीं उसमें साइज ला रहे हैं ना, गया गया अभी इस पे रखो, इस पे पता चलेगा थोड़ा रोशनी में, रोशनी में दिखाऊं, रोशनी में दिखाऊं, दोनों अच्छा लग रहे हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे मेरे ख्याल से, ये वाला हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसके अंदर काम शाम आ रहा है और वो थोड़ा कम हो रहा है, उसमें सितारे ज्यादा बेहतर लग रहा है, अंबर कौन सा ये वाला हो गया, हाँ ये अच्छा लग रहा है ज्यादा, कितने का है भाई ये 1200 रुपए, 1200 रुपए का वीडियो बन गई, अब नहीं बोलना, वेरी गुड।
तो क्या, तो हजार हजार वाली भी नहीं है, तो काफी ज्यादा बार्गेनिंग करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर खुस्सा तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे और भी ज्यादा कलर पसंद आ रहे थे, तो मैं भाभी को कह रही थी कि भाभी आप अपने लिए भी ले लो और ना ट्राई करो, अच्छा लगेगा, और इतने अच्छे डार्क डार्क कलर होते हैं ना इनमें कि बहुत पैर भी खूबसूरत लग रहे होते हैं, खुद से बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन सर्दियों में ज़्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं, गर्मियों में फिर भी जो है ना पैर घुटने लग जाता है और गर्मी लगती है, तो इसलिए सर्दियों में तो ये होता है कि हर तरीके का बंदा फैशन कर सकता है और बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो फिर भाभी ने बोला कि नहीं मैं तो हील वाला लूंगी, मैं नहीं ले रही, लेकिन मुझे पसंद आ रहा था, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यहाँ से ही करवाती हूँ मैं, कोई भी कान से धुआना हो कुछ भी ऐसे। हाँ यार, मतलब मैंने ना कान ही जो सिलवाया था ना, एक का एक अलग गिरा हुआ है, एक का अलग गिरा हुआ है। अब मेहनत करके बनाना पड़ेगा, मेहनत करके बनाने पड़ेंगे कान, पहले बनाना पड़ेगा कान बनाना पड़ेगा यार देखो इसका ना इन्होंने ये वाला कान गिरा दिया मेरा है, और जो दूसरा कान है ना उसका ये वाला नीचे वाला। हाँ अब मतलब इसके अंदर एक है, मतलब अब देखो ना कितने महंगे आ रहे हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। 11,000 की जोड़ी बोल रहे हैं, वो ये वाली छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी, समझ नहीं आ रहे, चुन्नी मुन्नी सी है, इतनी छोटी सी, मुझे तो बहुत महंगी लग रही है। सही पहना देते ना तो इतना मसला नहीं होता, बेचारे की गिरती नहीं। चलो खैर अब ये उतारेंगे, ये वाली बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द बेचारी अंबर को सहना पड़ेगा। अरे मेरे बार छोड़ने भी पहने बता रहा हूँ। अरे भाई कान मत काट देना मेरा, कान क्यों काटेंगे, ये क्या ये क्या ये क्या, छोड़ो तो सही, छाई बच्ची को दर्द होता है इतना। तो बंद हो गया था क्या कान? कान बंद नहीं हुआ था, बस जो है ना इनके कान में थी ना वो दर्द था। क्या लगाया है? अरे जरासीम मारने के लिए जरासीम मारने के लिए ये लो कितनी निकल रही है, ये लो फोन बंद हो जाएगा सारा। अरे हाय पता नहीं क्या हो गया, मेरा कान ना गिर जाए भाई। कान क्यों गिरेगा, बड़े काम है अभी मुझे। देखो फोन आ रहा है। अरे आने दो, क्या हो गया, एक बोतल तोड़ दी। देखो बोतल नहीं, हाँ देखो जरा उसके इंतजार में भाई क्या कर क्या रहे हो भाई बहुत तकलीफ से बनाएंगे सब खुदा की। मुझे ऐसा लगता है कि पहनने से ज्यादा जब दोबारा उसके अंदर वो डलती है ना तब ज्यादा तकलीफ होती है ना। किया क्या है, क्या किया है, ब्लड आ रहा है उसमें, चुन्ना चुन्ना सा ब्लड आ रहा है। चुन्ना चुन्ना सा साफ हो जाएगा। ओये लो क्या हुआ है, बंद हो गया भाई, आराम से करना मम्मी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लगने शुरू हो गई होगी। क्या किया है, मेरा कान तोड़ दिया। नहीं तोड़ा नहीं, अल्लाह अकबर।
अल्लाहु अकबर, मतलब मेरे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई ना। दरअसल मेरे कान जो है ना वो बंद हो चुका था और उसमें जो है ना पस पड़ चुका था। इसको दोबारा से कान को मुझे पियर्सिंग करवाना था एंड अगेन जो है ना इसके अंदर मुझे अब गोल्ड का जो है ना इसके अंदर क्या कहेंगे टॉप्स पहनने थे। तो बहुत ही मुश्किलों से ना ये हुआ और इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ़ हुई, इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ़ हुई कि बस क्या ही बताया जाए। वो तो आप लोगों को मेरी जो है ना वीडियो से पता चल ही गया होगा, लेकिन साथ साथ में जो है ना फिर बस ये हुआ कि एक दो दिन तकलीफ़ रही और उसके बाद जो है वो ठीक हो गया था जैसे होता है। तो खैर बस ये है कि यहाँ पर मैंने इनको बोला कि भाई इसके मैं पैसे नहीं दूंगी, बड़ी तकलीफ़ हुई है। दरअसल ये हुआ कि मैंने पहले जो पेरिसिंग कराई थी वो वाले जो मैं टॉप्स पहनी हुई थी ना, इन्होंने वो मुझे सही से नहीं पहनाए थे, जो कि वो गिर गए थे। और फिर काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन मैं एक साल बाद मैं इनके पास आई, मैंने कहा आपने जो मुझे कान, मतलब मेरा कान जो किया था ना वो बंद हो चुका है और अब मुझे जो है ना अब इतने महंगे टॉप्स पहना रहे हैं तो उसको थोड़ा सही से फ़िक्स कर देना, ऐसे पहनाना कि कभी भी ना उतरे। और जो है ना ये बस ये हुआ, तो बस अल्लाह का शुक्र है मैंने जो है ना यहाँ पे टॉप्स ली गोल्ड के और उसके बाद इनको मैंने यहाँ पर पहन लिया। तो कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये अंकल पेरिसिंग वगैरह बड़ी अच्छी से करते हैं, लेकिन मेरा मसला थोड़ा सा अलग हो गया था, इसको अगेन मुझे पेरिसिंग कराना था इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, सुन पड़ा है कान। तो आज क्या हुआ कि बर्तन धोते हुए सुबह जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर जो हमारा बाउल रखा हुआ है इतना बड़ा, जिसके अंदर फ्रूट्स वगैरह हम लोग सारी चीज़ें रखते हैं, और ना वो बर्तन धोते हुए भाभी से जो है ना वो चटक गया था। दरअसल बर्तन तो मैं धो रही थी, लेकिन भाभी ने कहा कि नहीं मैं जो है ना ज़्यादा एहतियात से धो लूँगी और तुम साइड हो जाओ। मैंने उनको बोला अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वो भाभी से ही फिसल कर टूट गया। अच्छा हुआ यूँ कि इसी तरीके का है ना, आपने बाउल देखा होगा, लेकिन हुआ यूँ कि वो टूटा नहीं है, बस के दो टुकड़े हो गए, ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड थोड़ा सा अलग हो गया है। फिर हम लोगों ने इनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि दरअसल ऐसे ऐसे मसला है और हम जिस तरीके की चीज़ चाह रहे हैं वो बाज़ार में मिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लेकर आ जाना, मैं उसको जोड़ दूंगा सिलिकॉन वगैरह या पता किसी चीज़ से, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वरना जो है ना इस तरीके के जो बाउल वगैरह मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिल रहे थे और मैं उनको ज़्यादा लेना कोई ज़रूरी भी समझ नहीं रही थी, तो इसलिए जो है ना मेरा इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं था। लेकिन भाभी कह रही थी नहीं नहीं जो है ना ले लेते हैं, लेकिन फिर अंकल ने भी हमारा मसला हल कर दिया था। ये हुआ, उसके बाद जो है ना हम लोग काफ़ी चल चल के शॉपिंग करके थक चुके थे। पानी वानी पीने की मतलब जो है ना मैं सोचती हूँ कि इंसान जूस वगैरह पिए और एनर्जी बढ़ाए अपनी। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने मौसम्बी और किन्नू दोनों प्लस करके मतलब मिक्स करके जूस बनवाया, क्योंकि अभी जो है ना इतने ज़्यादा कोई इतने अच्छे टेस्ट में आ नहीं रहे हैं। मतलब कुछ यूँ है कि अभी तो ये फ्रेश फ्रेश आना शुरू हुए हैं, मौसम्बी हो गए किन्नू हो गए, तो ज़्यादा इनमें ना अभी जो है ना स्वाद होता नहीं है, क्या बोलेंगे टेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से जो है ना फिर हम लोगों ने इसको मिक्स करके बनवाया था। इससे ये होता है कि हाँ थोड़ा बेहतर काबिल पीने वाला हो जाता है। इसके बाद जो है ना हम लोग हसन के लिए यहाँ पे वॉच देख रहे थे कि जो है ना इसके लिए वॉच ले लेते हैं, और फिर ये हुआ कि फिर हम लोग बाज़ार से अब घर जाने के लिए। अरे दो ना दिखाओ भाई, अरे शर्मा तो यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे, इनका मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाया जाए, लेकिन वो तो इतना शर्मा रहा। और फिर ना ये हुआ कि वो असली बाबा खोलने लगा, तो मैंने कहा अच्छा असली बाबा खा रहे हो, तो उसने वो भी छुपा लिए। मैंने बोला खा लो, मैं कौन सा छीन के खा रही हूँ। खैर एनीवेज उसके बाद हम लोग घर आए, और फिर आते आते हम लोगों को ये हुआ कि हम लोग फिर जो है ना ये चिकन पैटी और बर्गर वगैरह लेकर आ गए थे घर में, इनको बनाया और फ्रोज़न फूड जो होता है उसको बनाया और फिर खाया, बहुत मज़ा आया। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।